वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, कक्षा पहली। आज हम पाठ 18 करेंगे बेटा। पाठ 18 का नाम है 10 खड़ी। 10 खड़ी बेटा, 10 खड़ी का मतलब है हमारी 10 मात्राएं। पहला लिखा है क, जो हमारा अ होता है बेटा, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन हर व्यंजन के साथ अ जो है बोला, जैसे क, क के बाद किसी साउंड अ के, फिर क को आ की मात्रा, अ के बाद किसकी मात्रा आती है आ, आ के बाद इ, क को छोटी है इ, फिर क को बड़ी मतलब ई, यह है की, यह है की, यह है उ, यह है उ, तो ये उ की मात्रा लगी है क को, तो क्या बन गया कु। ये ऊ की मात्रा है क का, तो क्या बन गया कू। ये ए की मात्रा है, ठीक है बेटा, ये किसकी मात्रा है ए की, तो ये क्या बन गया क ए के। ये है ए की मात्रा क ए। ये है ओ की मात्रा क ओ को। ये है ओ की मात्रा को। ओके बेटा, तो ये हमारी बेटा मात्राएं थी आ से लेके ओ तक, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये व्यंजन दिए गए हैं, एक व्यंजन को ये सारी मात्राएं हम लगाएंगे। कहीं कहीं पर इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है, जहां पे नहीं है वहां हम खुद लगाएंगे। एक मैं आपको लिख के बता दूंगी और ये सारा ही आप कंप्लीट करोगे बेटा, ओके। जैसे ये है ख, ये हमने लिख दिया ख, ख को आ की मात्रा क्या बन गया ख। देखिए बेटा, सबसे पहले राइटिंग में हम जब भी लिखते हैं ना, अगर हमने ये व्यंजन अगर हमने ऐसे डाला है, ठीक है, इसकी लाइन अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाई है, तो जो इसके साथ हम मात्रा या अक्षर लिखेंगे तो उसकी लाइन भी इक्वल आएगी, ये तभी हमारी राइटिंग जो है अच्छी आती है। क्या बन गया ये ख आ खा। अब हम क्या लिखेंगे ख, ख क इ की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा इ की मात्रा, क्या बन गया खी। ये ख ई की मात्रा, तो खी तो लिखा ही हुआ है। अब हम ख क उ की मात्रा लगाएंगे, किसकी मात्रा उ ऐसे लगेगी, क्या बन गया खु। अब हम ख क उ की मात्रा खु। अब ख क ए की मात्रा खे। अब खे ख क ए की मात्रा खे। अब ख क ओ की मात्रा खो। अब ख क ओ की मात्रा खो। ओके बेटा, तो इसी तरह आप ये सारे ही क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, ओके। और बेटा पिछले लेसन का बुक वर्क भी कंप्लीट आपने कर लेना है। थैंक यू बेटा।